हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज आई ऑलवेज से, कभी कभी मेरी शक्ल सुबह सुबह उठने के बाद आलू जैसा लगता है और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हूँ। तो ये उन डेज में से है जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, आई डोंट नो हाउ बट थी। तो यहाँ पे हम पहुँचे, हम निकले जिम के लिए और मैंने ना काफ़ी कम ब्लॉग किया। ये शायद 2 या 3 दिन का ब्लॉग मर्ज करके भी 9 मिनट का नहीं हो पाया। तो एक्चुअली ये कम इसलिए क्योंकि इतना डेकोरेशन का टेंशन चल रहा है, काम वाम चल रहा है, इतना मतलब इतना मेस घर है तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही। तो प्लीज़ बियर विथ इट। फिर गणपति के डेली ब्लॉग्स तो आएंगे ही आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम जिम पहुँच चुके थे। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी जस्ट बिकॉज मैंने पता नहीं कैसे, मैं बोलती हूँ जब मैं अच्छे मूड में रहती हूँ तो मेरा दिन भी अच्छा शुरुआत होता है या मुझे नींद नहीं आती, वॉट एवर इट इज़। तो फिर हम फटफट से शूज़ वूज़ पहन के रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाके बाहर अपनी शक्ल दिखानी है। जस्ट किडिंग गाइस। फिर हम चले बाहर, हमने थोड़ा फिट चेक दिया। फिट चेक तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं ब्लैक ही पहनती हूँ मोस्टली जिम में। जैसे कि आप सबको पता है मेरे लिटरली 7 दिन के 7 ब्लैक आउटफिट है जिम के लिए। माय फ्रेंड्स आर लाइक सीरियसली, आई एम लाइक यस। फिर हमने की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, नहीं वार्म अप, मैं स्ट्रेचिंग पहले बोलती हूँ, वार्म अप बाद में बोलती हूँ। पहले हमने किया वार्म अप अच्छा खासा क्योंकि बहुत नीड होती है। और ये शायद मंडे का ब्लॉग है आई गेस, यस मंडे का, और उस दिन मेरा फास्ट होता है क्योंकि आई एम डूइंग 16 सोमवार तो उसकी वजह से। तो फिर हमने पहले वार्म अप किया अच्छा खासा ट्रेडमिल, और उस दिन जो जोश था ना मेरे को, मैं किसी को बता ही नहीं सकती। मतलब लिटरली मैंने 300 कैलोरीज सिर्फ 25 मिनट्स में ख़त्म किया। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, रोज मुझे 35 मिनट लगता है, आज मैंने 25 मिनट्स में ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ मेरा वर्कआउट भी ख़त्म हो चुका था और मेरी शक्ल पर दिख सकता है मैं पूरी ड्रेन आउट हो चुकी थी। इतना पसीना मतलब हालत ख़राब हो चुका था क्योंकि मैंने बोला क्योंकि मैंने 25 मिनट्स में 300 कैलोरीज ख़त्म किया। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई जस्ट डिड इट। फिर हम फटाक से फ्रेश हुए थोड़ा सा एंड फिर चेंज वेंज करके हम रेडी हो गए घर जाने के लिए। ये क्योंकि घर जाके भी बहुत काम करना बाकी था, तो बहुत काम बाकी है। मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं हो जाएगा बट एंड आते कुछ काम नहीं होता, ऐसा वाला सीन चालू है राइट नाउ मेरे साथ। इतना मेस चालू है। फिर मैं जिम से निकल के कुछ दूर चलते ही फिर मैं अपने घर पहुंचती हूँ जस्ट बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि जब मैं ट्रेडमिल करती हूँ ना, मतलब नॉर्मली मेरे को इतना कुछ होता नहीं है बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो वो उन दिनों में से था पता नहीं क्यों। बट ठीक है यार, अब इतना तो वर्कआउट कर रही हूँ तो इतना तो कर सहना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। बट आई वॉज सो फकिंग टायर्ड अबाउट दैट डे। एंड देन फिर घर आके सब ने ब्रेकफास्ट में ब्रेड एंड ऑल खाया था, तो हमने टोस्टर निकाला था जो 2-3 महीने हो गए निकला ही नहीं क्योंकि ब्रेड घर पे आया ही नहीं था, तो उस पर बहुत सारे कॉकरोचेस थे। तो हमने उसको ही मतलब स्टार्टिंग के 2 ब्रेड को टोस्ट किया तो अब वो वेस्ट हो जाते, तो मैंने जाके कबूतर को दे दिया। लेकिन कबूतर लोग बहुत चालाक है, उन्होंने ब्रेड को छुआ तक नहीं और उन्होंने सिर्फ गेहूँ खाया। आई वॉज लाइक वेरी चालाक ब्रो। फिर घर आके आई वॉज सुपर टायर्ड। फिर हम सब अपने काम में लग गए, इतना मेस हमने क्रिएट किया था पूरा, मतलब डेकोरेशंस का। और हम लोग लिटरली गाइस स्क्रैच से सब बना रहे। जब आप लोग डेकोरेशन देखोगे तब आप लोग बताओगे कि यस गाइस तुम लोगों ने ही मेहनत की। आई नो सब करते हैं बट यू गाइस वांट टू से दैट यू डिड इट सो वेल। तो फिर मम्मा यहाँ पे पूजा कर रही थी, मम्मा के बाद मुझे भी करना था पूजा, इन द सेंस माला जापना था क्योंकि मैं तो वैसे हर रोज़ ही माला जापती हूँ, हनुमान चालीसा भी रोज़ पढ़ती हूँ, इट्स अ गुड हैबिट। तो फिर इसलिए मैं वेट कर रही थी कि मम्मी का हो जाए तो मैं करूँगी। तो स्नैपचैट खोल के थोड़ा टाइम पास कर लिया और फिर ये मेरे बच्चे आ गए थे शाम को, पढ़ रहे थे। और फिर हमने ये डायरेक्ट इवनिंग का क्लिप आएगा। ओ माय गॉड, फ़िल्टर ने धोखा दे दिया मुझे, बट ये फ़िल्टर अब मेरा फेवरेट हो चुका है, आई डोंट नो हाउ। फिर ये लोग जाने के बाद मैं और मम्मा गए डी मार्ट ग्रॉसरीज के लिए, यस। फिर हम लोग निकले, बहुत ज़ोर की बारिश होती, हम लिटरली रात के 9 बजे डी मार्ट जा रहे थे जस्ट बिकॉज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। पूरे दिन में डेकोरेशन चल रहा है। एक तो हम स्क्रैच से कर रहे हैं इसलिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे लगता है वेस्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। और फिर रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी रात के 9-9:30 बजे के आसपास, तो वी वर इन्जॉइंग दैट वेदर, मस्त सी बारिश चल रही थी। बट अंदर शूट करने देते नहीं डिमांड, तो इसलिए मैंने कुछ शूट वूट किया नहीं, ऐसे वैसे क्या ही शूट करती, ऐसे बेसिक सी चीज़ें। फिर घर आते वक्त रास्ते में हमें गणपति पापा मिल गए, तो उनके लिए हमें गाड़ी रुकानी पड़ी साइड में। तो फिर हम उसका वेट करते करते मैंने मस्त छोटे छोटे से वीडियो ले लिए पापा के। पापा इतने अच्छे लग रहे थे भाई, ये शिव अवतार थे, उनके हाथ में रुद्राक्ष वगैरह था, इट वॉज़ लाइक हाय जन्नत। फिर रात को सोने जा रहे थे हम लोग एक्चुअली, तो क्योंकि हम डिमांड से रात के 11:30-12 बजे घर आए। एंड फिर यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट एक बोर्ड ही कवर हुआ था, तो वही हम लोग वही करके सोने जा रहे थे सब।
फिर नेक्स्ट डे आफ्टरनून हम सब फिर से वापस से बैठ गए, पूरी पूरी फैमिली, पूरी फैमिली में पापा नहीं इसमें, हम लोग सब काम पे लगे, लिटरली एसी ऑन कर, इतनी गर्मी हो रही थी, फट सब काम कर रहे थे। मतलब एक तो स्क्रैच बोलो ना, लिटरली स्क्रैच, एक एक सिंगल पेपर से हमने फ्लावर बनाया और इतने सारे फ्लावर्स बनाए ना, जब तक आप लोग पूरा डेकोरेशन देखोगे ना तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा। फिर रात को पापा को बोला आप भी अब हेल्प करो ही करो, करना ही पड़ेगा क्योंकि सबकी हालत ख़राब है, सबके बैक में पेन होने लग गए, लेजिट इतना गंदा पेन हो रहा है ना बैठ बैठ के काम कर करके। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे जैसे कि आपने देखा पापा भी हमारी हेल्प कर रहे थे, फिर नेक्स्ट डे हम वापस से, मैं तो हम लोग लिटरली 12:30 एक बजे 2 बजे सो रहे सारा डेकोरेशन करके, और फिर सुबह 4:30 उठ के मैं जिम जा रही हूँ, आई वाज लाइक ओ गॉड। और फिर उस वक्त नहीं जाऊँगी तो फिर मुझे बिल्कुल बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उठ जाती हूँ 2-3 घंटे सो के। फिर हम लोग मतलब 4:50 को मैं उठी, फिर मैं हम लोग चेंज वेंज करके फिर मैं जिम गई, क्योंकि वो टाइम के अलावा अगर मैं जिम नहीं गई तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं फटाफट चेंज करके हम पहुँचे जिम, एयरपोर्ट्स भूल गई थी, वापस घर जाके लेके आई, क्योंकि इट्स मच नीडेड व्हेन यू डू अलोन जिम आफ्टर सो मेनी टाइम। पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है तो आई एम लाइक चलो एयरपोर्ट्स आर मस्ट। तो यहाँ पे फिर चेक नींद में, क्योंकि मैं नींद में थी, पहले वाले जिम वाले क्लिप में बहुत फ्रेश थी, ये वाले जिम क्लिप में मैं बहुत टायर्ड सो तोड़ू लग रही हूँ पूरी। फिर हमने वही चेंज वेंज कर लिया, इस दिन शायद चेस्ट या समथिंग था, आई डोंट रिमेंबर, दिस इज़ माई फेवरेट शूज़ काइंड ऑफ राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास 3 शूज़ है, वो 3 मैं अभी पहनना छोड़ चुकी हूँ लिटरली, पता नहीं क्यों, बट अभी मुझे चेंज करके पहनना पड़ेगा, बिकॉज माई मॉम इज़ लाइक एक शूज़ खराब होगा फिर नया शूज़ चाहिए, जो बाकी के सारे वो कौन पहनेगा, आई एम लाइक यस यू राइट। फिर हम तैयार होकर निकल चुके हैं जिम के लिए बाहर, यहाँ पे फिर चेक, मुझे बॉटल भी लेना है, मुझे ऐसे धीरे धीरे चीज़ें याद आती है, मुझे ये लेना है और फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं लेती, दिस इज़ डम्ब मी। फिर हमने थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह वार्म अप वगैरह करके फिर हमने ट्रेडमिल किया, ट्रेडमिल में थोड़ा वार्म अप किया, क्योंकि पहले नॉर्मल वार्म अप करती हूँ मैं, फिर ट्रेडमिल पे वार्म अप करती हूँ। और लोग बहुत लोगों को बहुत शौक है ना मेरा वेट जाने का, मैं यहाँ पे आज दिखा ही देती हूँ कि मेरा वेट क्या है। मैं नॉर्मली तो मैंने एक वीडियो में बता ही दिया है व्हाट्स माई वेट एंड ऑल, बट हियर इट इज़ फाइनली फॉर यू गाइस, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते थे आप सब दिखा देते हो वेट के वक्त आप क्यों बंद करते, तो लोग गाइस देख लो तुम भी क्या याद रखोगे भाई, ये शूट लेते हो मेरा ध्यान नहीं है, हाँ दिख रहा है देख लो। फिर हमने करने के बाद वर्कआउट वगैरह ख़त्म होके, मैं वर्कआउट के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई थी क्योंकि नींद उड़ चुकी थी ना इतना, मतलब फ्रेश हो चुकी थी मैं, काफ़ी अच्छा वाइब हो रहा था, गाना बज रहा था कुछ, तो अगर मैं गाना रख देती तो कॉपीराइट हो जाता यार, यही तो सबसे बड़ा मसला है ज़िंदगी में, बट यस। फिर हमने सारा वर्कआउट वगैरह करके हम घर आ गए, घर आने के मतलब मैं सामान भी लेके आई थी इसलिए मेरे हाथ में बिल है सब्जियाँ, बिकॉज माय मॉम टोल्ड मी प्लीज़ ब्रिंग दिस, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा पा रहा, जो भी जा रहा है वही सामान ला रहा है, क्योंकि इतना बिजी चल रहा है सब की पूछो मत, एक तो सब बीमार है ऑलमोस्ट दिया की वजह से, दिया को पता नहीं कहाँ से सर्दी लग गई है एंड उसके वजह से सब बीमार है लेजिट, अब तो मेरे पापा को भी हो गया है ऑलमोस्ट, बट यस एवरी वन इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम एंड सब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सो यस हियर वी आर एंडिंग आर वीडियो विद दिस डांस, घर पूरा मैस हुआ पड़ा है, पूरे सारे कवर्स वगैरह धुलने जा चुके हैं एंड यस ये है मेरे ट्यूशन का Q2 जो डांस करके बता रहा है, जो उसको स्कूल में सिखाया था एंड सब मजे ले रहे बस उसके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसके बाद से रेगुलर ब्लॉग्स आते रहेंगे, स्टे ट्यून टिल दैट एंड या लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो।